हेलो बच्चा लोग, मैं हूं संजीव पांडे और आज हम करने वाले हैं 11th फिजिक्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th में है, आपको 9th से ही इसका जो शुरुआत है वो हो जाता है। तो 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th सारे बच्चे भी जो देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद, सबसे पहले हमको यहाँ एग्जैक्टली यूनिट के बारे में समझना है, ठीक है। लेकिन हम एग्जैक्टली शुरू करेंगे थोड़े बेसिक से, ओके। एग्जैक्टली हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फिजिक्स। हमने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, है ना। फ्यूजिस, ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से आया था ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। यार मेरे को ठीक है बहुत ज्यादा बोलता हूँ मैं, ठीक है, आप जो है देखो फिर आ गया, तो इसको थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। बाकी जो वीडियो है वो एंड तक देखो, आपको मैं यहाँ पे यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, डिराइव फंडामेंटल सारी चीजें बता दूंगा। इसके बाद वाला वीडियो होगा अबाउट डायमेंशन, ठीक है, 11th के अंदर, ठीक है। यूनिट के बाद डायमेंशन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको 11th 12th पूरा थ्रू आउट काम आएगा उसके बाद। So starting with physics, what was that study of natural phenomena? Natural phenomena या ऐसा नहीं कि natural phenomena यानी कि बस natural calamities होता है। Nature में कोई भी event हो रहा हो तो उसका बारे में जो details है, कैसे हो रहा है, मतलब exactly उसका जो reason है उसके पीछे, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं physics में। अब जैसे कि ये light चल रहा है, ठीक है, light glow हो रहा है, चल नहीं रहा है, okay? So ये जो है this is a फिजिक्स, इसके अंदर जो चीजें हम स्टडी करेंगे, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो सारी चीजें फिजिक्स में आएंगी, है ना। अगर मान लो कि ये कैमरा चल रहा है, कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा है और आपको ये वीडियो मिल रहा है, आप इसको देख पा रहे हो, ये सारी चीजें फिजिक्स पे काम कर रही है, ओके। तो नेचर का कोई भी फिनोमेना जो है उसके बारे में स्टडी होती है फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिक्स यानी नेचर में कोई भी हो रहा हो इवेंट का स्टडी। अब वो इवेंट को अगर आपको जनरली स्टडी करना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, उसके अंदर की चीजों को आप थोड़ा समझोगे, यानी वहां पे आ जाएगा आपका प्रेसिशन कि भाई ये चीज इसका इतना लेंथ है, अब अगेन इसका ये लेंथ है, इसका ये रेडियस है, ये सारी चीजें अगर हम पढ़ रहे हैं तो मतलब ये लेंथ और ये रेडियस इसको मेजर भी करना होगा, यानी ये लेंथ और ये रेडियस ये क्या हो गया, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। जो पैरामीटर्स, जिन क्वांटिटीज को आप यहाँ पे स्टडी करोगे, अब जैसे हवा ग्लो हो रही है, फिजिक्स का फिनोमेना है, फिजिकल फिनोमेना है, नेचर का फिनोमेना है, तो हवा कितनी स्पीड से फ्लो हो रही है, तो वो जो स्पीड अब आ गया, अगेन लेंथ, रेडियस, स्पीड, ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑफ क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। यानी फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, इनकी खूबी क्या होती है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, राइट, इनको आप मेजर कर सकते हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दैट कैन बी मेजर्ड, राइट। अब ये फिजिकल क्वांटिटी आपने 9th में सुना होगा, ये दो टाइप्स का होता है, बेसिक, एकदम बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड ओनली, दोस क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड ओनली फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती हो मस्ट, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, टाइम, टेम्परेचर या मास। अब इस चीज में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं कि अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां एक पार्टिकल से मूव हुआ है, एक सेकेंड हुआ, एक सेकेंड एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुआ, एक सेकेंड तो एक सेकेंड, उसमें आपको डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके, इतना बता दिया काफी है।
तो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट। मास या वेट, वेट की तरफ मत आओ, वेट अगेन इज अ फोर्स तो वहां से जाएगा। मास की अगर हम बात करें तो मास जो है, मास तो मास होता है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि मैंने बोला कि इस चीज का मास है 2 kg, तो वो 2 kg के लिए हमको कोई डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। वही काफी है, ठीक है। इसको ज्यादा क्लियर होगा जब आप, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा वेक्टर का, ओके। तो लेंथ, मास या फिर टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें मिले आपको, डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है इनको डिस्क्राइब करने के लिए कंप्लीटली, राइट। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज इनसे अपोजिट क्यों है, अलग कैसे हुए, ठीक है, इनके मेजरमेंट में क्या होता है, इन क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका याद रखो फोर्स। जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, या फिर सपोज मैंने आपको कहा कि आपके आसपास में कोई दरवाजा दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, ये चेक कर लीजिए, या फिर विंडो, ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको उस विंडो को बंद करने के लिए बस 5 newton का फोर्स लगाना है, ठीक है, ओनली 5 newton का फोर्स लगाना है। आप गए, आपने सपोज आप बस रोबोट माइंड है आपका, तो 5 newton का फोर्स लगाना है, क्या इतना ही कमांड काफी है एक रोबोट के लिए विंडो को बंद करने के लिए? यहां पे आप खुद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर किसी रोबोट को यह कमांड मिला हुआ है जो बेसिक इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, तो वहां पे जरूरी ये होगा कि उसको यही बताना पड़ेगा कि उसको कौन सी डायरेक्शन में वो फोर्स लगाना है, उसको पुल करना है या पुश करना है, एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, ये बताना जरूरी है, राइट। सो इस एग्जैक्टली फोर्स वाली क्वांटिटी को हमको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ 5 newton बताना ही काफी नहीं था, वहां पर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी है, राइट। सो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, या दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसमें आप फिलहाल के लिए फोर्स याद रखो, वैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, वो अलग से हम पढ़ लेंगे, ओके। सो फिजिकल क्वांटिटी, जो स्टार्ट किया हमने फिजिक्स से, फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। तो नेचर में जब हम कोई चीज स्टडी कर रहे हैं तो यानी उसको, उसमें कोई ना कोई क्वांटिटीज आएंगी जिनको हमको मेजर करना होगा, समझना होगा, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, जो मेजर करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। विच आर ऑफ टू टाइप, स्केलर विच ओनली नीड्स मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है, वेक्टर, जिनमें डायरेक्शन भी जरूरी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, राइट। अब यहां पे बताया गया, मैंने बताया है मेजरमेंट। मेजरमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, मेजरमेंट इज नथिंग बट, जैसे अब हम लिखा यहां पर फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसको मेजर करना पड़ेगा, तो मेजरमेंट एग्जैक्टली क्या है, मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन। मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन होता है, इसका कंपैरिजन एग्जैक्टली, जैसे मान लो कि एक टेबल रखा है यहां पे और इस टेबल के लेंथ को नापने को कहा गया है, भाई ठीक है टेबल है, टेबल जैसे होगा, इसके लेंथ को नापने को कहा गया है, यहां से यहां तक का लेंथ को, और ये किसी ने बताया कि भाई ये लेंथ जो है दिस इज 10 meter, तो 10 meter का टेबल है कोई बात नहीं, 10 meter इसका लेंथ है। अब 10 मीटर लेंथ होने का मतलब क्या है कि, मतलब तो मतलब है, 10 मीटर तो होता है, 10 मीटर क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर एग्जैक्टली आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो तो ये क्या बता रहा है असल में। अगर मान लो मैं किसी को फोन पे बता रहा हूँ कि हाँ भाई यार टेबल है मेरे पास जिसका लेंथ जो है वो 10 meter है, बोले कमाल है 10 meter, मतलब उसको भी समझ में आ गया कि 10 meter यानी क्या होता है, कैसे समझ में आया, उसने देखा भी नहीं, ठीक है, वीडियो कॉल नहीं किया था, नॉर्मल कॉल किया था, और उसको 10 मीटर का अंदाजा हो गया, भाई बहुत बड़ा टेबल 10 मीटर, तो यानी उसको कैसे समझ में आया होगा 10 मीटर, क्योंकि उसको 1 मीटर क्या होता है ये पता होगा, राइट। तो 1 मीटर का मतलब, अगर हम अप्रोक्सीमेटली, हम अपनी दुनिया में तो भाई इंडिया की बात करें तो हम ये 1 meter मतलब कैसे नापते हैं, ये हो गया,
है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है। कहीं भी देख लो यार, सब लोग इतने 1 मीटर दिखाएंगे, 1 मीटर एग्जैक्टली, उससे कितना कम या ज्यादा होगा हमारे लिए 1 मीटर ही होगा, ठीक है, मतलब अंदाजा मिल रहा है। ओके, फिलहाल 10 मीटर यानी क्या है, देखो इट इज दिस लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज नथिंग बट यू कैन इसको एक और तरीके से बोल सकते हो कि दिस इज 10 टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड कॉल्ड 1 मीटर, राइट। कि आपने असल में या जिसने भी ये मेजर किया उसने बस ये बता दिया कि भाई दिस लेंथ इज 10 टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ अ रेफरेंस कॉल्ड 1 मीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जब मेजर कर रहे हैं तो बस कंपेयर कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस कंपैरिजन ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ दैट गिवन क्वांटिटी विद इट्स रेफरेंस स्टैंडर्ड। यानी मेजरमेंट क्या है, कंपेरिजन, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एग्जैक्टली जो हमारा हमने टॉपिक शुरू किया था, ठीक है, यूनिट, ठीक है, बहुत इजीली। अब ये चीज आ गई तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई कि मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विथ इट्स रेफरेंस स्टैंडर्ड, इस चीज से कंपेयर किया हमने। तो व्हाट इज दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड, इट इज नथिंग बट यूनिट, है ना, 1 मीटर, यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, ये सब क्या हुआ, यूनिट। ओके, यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, इस वीडियो का एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, आप कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा, अगर हो सके, इंटरेस्टिंग लगा या आपको समझ में आ रहा हो तो पॉज करके अभी उसका जो जवाब है वो दे दीजिए, फिर दीजिए देखिएगा। ओके, क्या है वो सवाल, देखिए मैंने आपसे यहाँ पे ये बताया, आई एम कंटिन्यूइंग विद यूनिट बता रहा हूं मैं, बस एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, तो उसको आप सुन लीजिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बताया कि उसमें डायरेक्शन भी होता है, राइट। तो अब अगर जो लोग, जिनको भी पता हो कि अगर मान लो हम एक सर्किट ले रहे हैं, बेसिक हम एक सर्किट ले रहे हैं और इसमें एक सेल लगा हुआ है, की लगा है, करंट चालू है, इसमें बल्ब है, यहां से यहां पे ये करंट जा रहा है, करंट, यू नो करंट भी एक, वो भी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके अंदर करंट जो है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, राइट, करंट में भाई उसका वैल्यू भी होगा कि हाँ भाई दिस इज 2 एम्पियर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो क्वांटिटी है करंट, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है, राइट, बट स्टिल करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो यहां पे हमने बोला स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड दिस डायरेक्शन दोनों रहेगा, करंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, 2 एम्पियर ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपका जो जवाब है, मतलब आपको जिस चीज का आंसर करना है वो यही बताना है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है, ठीक है, व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो इट हैज डायरेक्शन, डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ। ओके, मूविंग टू हम जहां पे हम एग्जैक्टली जहां थे वहां से शुरू करते हैं, ठीक है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत लॉजिकल भी। ओके, तो आपको एग्जैक्टली स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके, कमिंग बैक टू आवर यूनिट, क्या है यूनिट, वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं। ओके, किसी भी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी को, ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिट किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, ऐसा नहीं कि सेकंड को तुम, सेकंड 1 सेकंड को यूज करके तुम लेंथ मेजर कर सकते हो, या 1 kg को यूज करके तुम टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा, रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज की उनकी अपनी अपनी यूनिट होती है। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली यूनिट, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों कहा गया, रेफर करते हैं हम, ठीक है 1 मीटर से हमने रेफर किया, 10 मीटर बना, तो स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ऐसा नहीं कि मेरे लिए 1 मीटर इतना है, किसी और के लिए 1 मीटर इतना ही होगा, किसी के लिए 1 मीटर बहुत अमीर आदमी बहुत बड़ा 1 मीटर, ऐसा नहीं है। ओके, तो इस चीज को समझो कि ये स्टैंडर्ड है, ये सबके लिए बराबर होता है। ओके, 1 मीटर सबके लिए, 1 मीटर का लेंथ उतना ही होगा, ठीक है, सबके लिए 1 सेकेंड का मतलब वही है। ओके, तो ये सारी चीजें बस एग्जैक्टली इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी वजह से हम इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके, तो अब अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात किया जाए तो व्हाट इज यूनिट, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच
एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी ठीक है मेजर किया जा सके, और उसको मेजर करने के लिए हमको हम जो रेफरेंस हैंडल यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड यूनिट। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा ना तो लाइक करना भाई, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है ये। इसके बाद नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भाई बहुत सारे हैं वैसे तो, टीजीएस, अलग अलग वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट, कुछ जगहों पे टीजीएस यूज होता था पहले, फिर अभी भी होता है कहीं कहीं पर, ठीक है, फिर एमकेएस, फिर कौन सा एफटीएस, और भी ऐसे बहुत सारे यूनिट, ठीक है। अब इसका मतलब बता दूं कि असल में जो इसमें पहला वाला होता है दिस इज ऑफ लेंथ, ये लेंथ मेजर करने का यूनिट, दूसरा वाला है मास मेजर करने का यूनिट, और तीसरा वाला है टाइम मेजर करने का यूनिट। बोलने का मतलब ये कि हमने अगर ये कह दिया कि 1 meter इज अ यूनिट टू मेजर लेंथ, तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में यही यूनिट यूज होता है या होता था, ठीक है, इसके अलावा भी और भी यूनिट है, मीटर के अलावा सेंटीमीटर है, फुट है, ओके, किलोमीटर है, तो यानी कि बहुत सारे जगहों पे अलग अलग यूनिट सिस्टम, पहले तो बहुत डिफरेंस अलग चलता था, सीजीएस सिस्टम मतलब जहां भी चल रहा होगा, मान लो जहां भी चलता था सीजीएस, मतलब वहां पे लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये सिस्टम काफी जगहों पे फॉलो किया जाता था अगर मैं पहले की बात करूं। इसके बाद लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, जहां भी फॉलो किया जाता था, दैट सिस्टम वॉज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, मास को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में, और लेंथ को फुट में, दिस वॉज एफपीएस सिस्टम। अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता था मेजरमेंट के लिए, अलग अलग यूनिट्स यूज किया। दिक्कत क्या होगी भाई, ट्रेड में दिक्कत होगी, एक व्यापारी एक देश से दूसरे देश में क्रॉस करता हुआ जा रहा है, उसको हर एक सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत हम अपने साइंस की बात करें तो क्या दिक्कत होती होगी कि एक देश का साइंटिस्ट किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, किसी और देश का साइंटिस्ट उसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, अगर वो एक दूसरे को रेफर करना चाहें तो वहां पे अलग अलग सिस्टम होने की वजह से कंपेरिजन का या यूनिट का दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा। इस चीज को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और जिन्होंने इस सारी चीजों को सॉल्व करके, ठीक है, और एक कॉमन सिस्टम बनाने का, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने का, ठीक है, वो लोगों ने डिसाइड किया, और उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। अब इस एसआई का मतलब है, फ्रेंच टर्म है, सिस्टम ए इंटरनेशनली, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये एक नया सिस्टम बनाया गया जिसके तहत एक्चुअली ये एमकेएस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, जिसके तहत लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, मास को मेजर किया जाएगा किलोमीटर किलोग्राम में, ये एंड टाइम को मेजर किया जाएगा सेकेंड में, यानी ये वाला इसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड ये सिस्टम यूज किया जाएगा, ये डिसाइड किया गया इस एसआई वाले सिस्टम में, ठीक है। तो इट इज बेसिकली सम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस, और इसी को पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्ट करने को या फॉलो करने को कहा गया। अब ऐसा नहीं कि इसका मतलब हम ये करेंगे नहीं, हमको जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन यूजुअली हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके और हम कैलकुलेशंस करते हैं। ओके, मूविंग टू दिस वाज सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट के, ठीक है, कुछ बेसिक टाइप्स हैं, जैसे कुछ यूनिट्स हैं जो या जिनको मेजर करने के लिए हमको किसी और यूनिट की जरूरत ही नहीं पड़ती, एकदम बेसिक, ठीक है, इसमें आते हैं जैसे मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मेंशन करूंगा, उन क्वांटिटी की यूनिट्स जो है वो उसके अंदर आएगी, ठीक है, जैसे हो गया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, चार हो गए,
करंट या इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल 7 है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए हमको किसी और क्वांटिटी के यूनिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इनके अपने खुद के जो यूनिट्स है बस वही सफिशियंट है उनको मेजर करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसी क्वांटिटीज को या ऐसी क्वांटिटीज के यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल, सो देयर आर इन ऑल 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। क्या क्या है देखो, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो दीज आर 7 फंडामेंटल यूनिट, याद रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे यूनिट्स हैं, ऑल ऑफ देम, अब यहां नंबर भी बहुत सारे जाएंगे, तो दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्यों बोलते हैं डिराइव्ड, क्योंकि इनको, इन यूनिट्स को मेजर करने के लिए, इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमको ये वाले यूनिट यूज करने पड़ता है, ठीक है। वो इनसे बने हैं मिलकर, डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल लिख देता हूं स्पीड, ठीक है, स्पीड का ही समझ लो। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जो भी है। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। मतलब फंडामेंटल, टू और मोर फंडामेंटल यूनिट को मिला के, ठीक है, ये चीज बनता है। यानी कि इस वजह से हम ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गया, फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन, ओके। तो ये सारी जो है दे आर ऑल डिराइव्ड यूनिट, सिर्फ ये 7 जो है फंडामेंटल यूनिट का। इसके अलावा कुछ ऐसे यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऐसे भी हैं जो दोनों में बिलोंग नहीं करते, मतलब इनफैक्ट वो कहीं से डिराइव नहीं हुए इनमें से, पर फिर भी इनको हमने अलग रखा है। क्यों अलग रखा है वो मैं बताता हूं, पहले उसका एग्जांपल मैं एग्जैक्टली बता दूं, तीसरा वाला कौन सा है। दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, जो क्वांटिटीज है, एक है प्लेन एंगल, जो आप एंगल मेजर करते हो, ठीक है, और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल यानी कि मान लो वही जो हम नॉर्मली जो एंगल बताते हैं अपने पेजेस पे, जो भी एंगल रहेगा, दैट इज किसी प्लेन पे एंगल फॉर्म कराते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल, अपने कोई थ्री डायमेंशनल शेप लिया, मान लो एक स्फेरिकल सा कोई शेप लिया, उससे अपने कोन कट करके निकाला, मान लो एक तरबूजा लिया, उसमें से एग्जैक्टली कट करके अपने कोन निकाला, तो उसमें जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, सॉलिड एंगल। थ्री डायमेंशनल रहेगा तो उसमें जो एंगल बनेगा दैट विल बी सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है, ठीक है, इसका बेसिक आपको पता ही होगा कि लेंथ ऑफ, मैं पहले यहां पे इसका यूनिट दे दूं, फिर ये चीज बता दूं। प्लेन एंगल का जो यूनिट है इट इज रेडियन, ऐसा हम इसको डिग्री में मेजर करते, पर जो एक्चुअल इसका जो ऐसा यूनिट है इट इज रेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन, ठीक है, प्लेन एंगल का है रेडियन, सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन। तो ये इनको सप्लीमेंट्री में क्यों रखा गया है वो चीज समझ लो। सप्लीमेंट्री में इसलिए रखा गया है कि इनके यूनिट्स तो हैं पर इनके डायमेंशंस नहीं है। अब एक और सवाल उठा कि एग्जैक्टली सर डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन हम इसके बाद वाले वीडियो में मैं एग्जैक्टली डायमेंशन पे ही आऊंगा, वो मैं बताऊंगा। तो क्योंकि उनमें डायमेंशंस नहीं है, देखो ये फंडामेंटल में क्यों रखा गया, बिकॉज दे हैव यूनिट, उनका अपना डायमेंशन भी है, इनको डायमेंशंस नहीं है, तो दे आर डायमेंशन लेस यूनिट्स, इसलिए उनको हमने इनसे अलग रखा है, सप्लीमेंट्री बनाया। तो इसमें दो आते हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। कमिंग बैक टू, मैंने यहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटीज दे दी पर एक्चुअली उनका जो यूनिट है वो नहीं बताया। तो द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, ऑब्वियसली मीटर जो हमने यहाँ भी सीखा था, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं, ठीक है। इसके अलावा करंट का है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट
जो है लाइट से जुड़ा हुआ टर्म है, ब्राइटनेस का उससे जुड़ा हुआ टर्म है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, या कितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट आता है दैट इज मोल, ओके, उसका ऐसा यूनिट है मोल। तो होप आप लोगों को ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इससे एक बेसिक फिजिक्स में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट्स, उसका बेसिक यहाँ पे हमने टाइप्स देख लिया, ये चीज क्लियर हुई, अगर हुई है तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एग्जैक्टली वो मैं आपको देता जाऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर, ठीक है, मतलब आपको अगर आप 11th में हो तो, या फिर आपके कोई फ्रेंड जो 12th में होंगे, इन दोनों के लिए मैं आपको एग्जैक्टली जो आपको बेसिक चाहिए होता है, देखो आपको मैथ्स वाले जो हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है वो तो काफी सारे फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, उनको एडिशनली फॉर्मूलाज हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं, ठीक है, पर फिर भी जो बायो वाले हैं उनमें दिक्कत क्या होती है कि उनको ये सारे मैथ्स के जो टर्म्स यहाँ फिजिक्स में काम आएंगे उनके लिए कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, बुक्स में है पर हम कितना उसको हम कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कि अगर डेरिवेटिव्स हो, इंटीग्रेशन हो, लॉगरिथम हो, ऐसी चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, जो बच्चे 12th में है जिन्होंने 11th में शायद ये चीज पढ़ी होगी पर फिर से दिमाग में ऐसे रब हो गया होगा, तो उसके लिए आप जरूर उन वीडियोस को देखिएगा, ठीक है, फ्यूचर में कुछ जल्द में मैं यहाँ पे वीडियोस बनाने वाला हूँ बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस, ठीक है, ग्राफ इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, तो इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, आप जरूर उनको देखिएगा। जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, सो दैट जब भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती है।